हे गाइस व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करो सब वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो गाइस, कल हम रात को पहुंचे थे घर, थक गए थे बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खा के, व्लॉग एडिट करके सो गए थे। तो अभी हम सब, हमारा आज ट्रिप का सेकंड डे, और अभी हम सब यहाँ से निकल रहे, सब हो चुके हैं रेडी। मम्मी और बहन भी हमारे साथ चल रहे, मिर्जा भी रेडी हो चुका है, अब निकलते हैं हम यहाँ से। गाइस, हम रात को घर पहुंचे थे, हमारे घर के सामने वाला व्यू देखो कैसा है। और अभी हमारी पूरी 5 दिन की ट्रिप, और आज सेकंड डे है, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। फाइनली मम्मी भी हो गई रेडी, और अभी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइस फाइनली अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये है मिसबा भी, और अभी हम आज हम जा रहे हैं तथा पानी जहाँ तक। मम्मी भी आ गए अब, तो अब निकलते हैं यहाँ से। कैसा रहता है आज की ट्रिप बताता हूँ मैं आपको आगे पहुँच के। रास्ते में एक हो गया सीन, ट्रक रास्ते में हो गया खराब, और हमारी गाड़ी वो पीछे लगी हुई है। अब रुकना पड़ेगा जब तक ट्रक ठीक नहीं होता, जब ट्रक ठीक होता तो उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से आगे। पहुंचे संगलदान, ये देखो संगलदान का व्यू क्या है यार, ये सिटी है। बचपन के भाई करण भाई, लेकिन इन्हें अभी टिंड करा रही है लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा है यार भाई। इसकी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बंदे को फॉलो कर देना, बड़ा सही बंदा यार, बचपन से हम इसी स्कूल में पढ़ते थे। आजा भाई, ये देखो क्या फॉर्म है भाई, ये रैपर भी है भैया। भैया आपको सुना दो यार दो लाइन, सुना देंगे कभी, सुना लो अभी यार दो लाइन यार, क्या हो गया? सुन हाँ जी भाई। पहले पहले प्यार की वो पहली मुलाकात थी, हाथ में रोज और मन में बेचैनी थी, कैसे करूं प्रपोज, ये बात खाए जा रही थी, उसके भी मन में था कुछ बोलना वो पा रही थी, आंखें थी नशीली के डूबते ही जा रहा था, कोई संभालो के मैं झूमते ही जा रहा था, कैसे कहूं कि तुझको कितना मैं चाहूं बेबी, सपनों में भी तुझे मैं पा। क्या बात है मेरी जान, क्या बात है। बोल यहाँ पे हम, मैं करण वगैरह दोनों बैठते थे, सही है यार, देखो व्यू क्या आ रहा है। चलो निकलते अब यहाँ से। संगलदान क्रॉस कर लिए है, और अभी हम निकल रहे तत्तापानी रोड पे, यहाँ से नीचे जाता है तत्तापानी रोड, ये देखो। देखो ये तत्तापानी व्यू भाई खतरनाक है हमारे गाँव का यार। गाड़ी को पत्थर भाई, हैंड ब्रेक भी लगी हुई है, गाड़ी गियर में तब भी बोरा नहीं, मैंने पत्थर लगाना है, और ये अभी आ रहा है, ये देखो। अभी हम पहुंच चुके हैं तत्ता पानी, ये मम्मी भी है, मिर्जा भी, ये युगू भी आ रहा है हमारे साथ, देखो युगू और मिर्जा गलत रास्ते में जा रहे हो, पर कहां जा रहे हो? पता जाना किधर है, आप आगे जाओ, हम आपको फॉलो करेंगे, जाना किधर है। मिर्जा कैसा लगा यहाँ का रोड? रोड तो सही है, बहुत बहुत सही। अभी हम पहुंच गए तत्तापानी में, मिर्जा को बताते हैं कैसा है। ये देखो व्यू क्या आ रहा है, मैंने आपको रास्ते में व्यू बताया था, कैसा है व्यू कमेंट करके बताना मुझे। ये देखो ऊपर व्यू बताना भाई, वो ऊपर से बादलों का एक नया चेन बनी है, मिर्जा ही बता रहे हैं आपको, देखो बादलों की चेन, और ये वैली मौसम भाई, आज अगर वैली नहीं होती है, वैली तो नहीं कह सकते, नाला बना हुआ है।
भाई भाई मौसम की बात करूं, मौसम तो आज बहुत बढ़िया है, धूप ही निकली हुई है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन सुबह शाम इधर बड़ी ठंड होती है यार, बढ़िया मौसम है। और जीवन और युगु आगे जा रहे हैं और आंटी वो आगे निकल गए हैं पहले, जीवन भी हमारे साथ है और ये खतरनाक नाला उस साइड पत्थर ही पत्थर और आइए आसमान की ऊंचाइयों पे और पत्थर ही पत्थर ये रेडियो वगैरह लगी हैं शायद इधर जब ज्यादा लोग आते हैं तो इधर वो खुलते हैं, जैसे ढाबे शाबे ढाबे नहीं होते उस स्टाइल में, लाइट भी है यार इधर सब कुछ, पर ये पहाड़ी मेरे को बहुत खतरनाक लग रही है, ये पीक कम से कम को ऊपर 500-600 मीटर हाइट है इधर नीचे से ऊपर तक, यहाँ से लग रहा है मुझे पहाड़ वहाड़ गिरते हैं, आपको ये उठाना चाहिए यार ये जो पहाड़ वगैरह गिरा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी इधर जब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ एक जैसे हैं? अगर मेरा कोई ब्लॉग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देख रहा है तो आपको ये चीज उठानी चाहिए यार, कब से गिरी हुई है ये इधर, अगर आपसे नहीं उठता तो आप हमें बोल दो हम उठवा लेंगे। शायद मुझे जो लग रहा है हम पहुंचने वाले हैं तत्ता पानी के पास और इधर दुकान भी है देख लो, दुकान में भी कुछ खाएंगे लेकिन वहां से दुकान में। अभी हम आ रहे थे रास्ते में कोई मिल गया, उनसे मिल लिया हमने, तो सब्सक्राइबर ही थे सब्सक्राइबर सर, उनकी एज कम से कम 80-90 साल भाई, देखते हैं मेरे व्लॉग से यार मैं कोई गलत नहीं कहता। तो अभी हम तत्ता पानी पहुंच रहे हैं तो मम्मी और पीछे आ रहे, मिजा जा रहा है आगे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चलो मैं आपको तत्ता पानी बताता हूँ। अभी फाइनली हम पहुंच चुके तत्ता पानी और मिर्जा भी साथ है और अभी मिर्जा नहाएगा इसमें, ट्राई करेगा नहाना, यहाँ पे बहुत रश है आज भी, बंदे वगैरह हैं, तो मजा आ रहा है तत्ता पानी, काफी टाइम बाद आया, हमारा तो आना जाना ही रहता है लेकिन मिर्जा कभी कभी आता है, तो मैं आपको पानी बताता हूँ कैसा है। फाइनली ये तत्ता पानी और ये देखो पहाड़ कैसे पहाड़ों के बीच है, पर मिर्जा भी देख रहा है इसको, मिर्जा सो भाई मिर्जा भी यहाँ पे देख रहा है कि कैसे बना है यहाँ पे पानी, कैसे गर्म हो रहा है, देखो कैसे देख रहा है मिर्जा भाई, देख लो आप यार आपको किसने मना किया देखने से, ये लोग नहा रहे वो देखो पीछे पानी कैसा, वहाँ पे गर्म पानी होता है और मम्मी वगैरह का साइड है वो साइड होंगे, अभी ये जेंट्स का उस साइड लेडीज का, हम भी पानी ट्राई कर रहे हैं कैसा गर्म है पानी, बहुत गर्म हो रहा है, मिर्जा भी आएगा यहाँ पे और युगू अभी तक व्लॉग कंटिन्यू कर रहा था, युगू अभी रुका हुआ है और मम्मी और देखो कहाँ से देख रही है, देखो पानी में और ये अभी एक्सपीरियंस कर रहा है पानी का कैसा है, ये सा भाई ये जो लास्ट में आपको पीछे दिख रहा है नाली टाइप की, ये यहाँ से पानी लोग पीते हैं, मिर्जा के साथ एक और हमारा भाई पीछे बैठा हुआ है, और मिर्जा कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का भाई, मिर्जा को बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है और बहुत एक्सपीरियंस भाई, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कश्मीर वगैरह बाहर से, बड़ा मजा आ रहा है दादा पानी में, और अभी हमारे देखो ये भैया ये छोटा नहा रहा है, वो पीछे है कुछ नहा के बाद, ये वो इधर रुका हुआ है, जहाँ से वो ये जगह है ये पहाड़ी के बीच में से है, ये वो जगह पीछे, ये देखो इधर जैसे बॉइल हो रहा पानी, हाथ लगाइए एक सीधा नीचे, ये वो हिसाब है, बाकी ये भी देख सकते हो, ये आगे सेपरेट वाटर बनाई है अलग करने के लिए, वो इधर जीवन भी पीछे है तो गाइस अभी आप देख रहे हो मिर्जा बैठा है स्विमिंग पूल में आराम से, प्राइवेट स्विमिंग पूल इतनी बिल्डिंग के साथ, पानी बहुत गर्म है पर मजा आ रहा है।
गाइस अभी मिसबा नहा के गाड़ी में जा चुका है और मैं और युगु ये चल रही, तो देखो ये रहा युगु और मम्मी और अभी नहा रहे सब लोग। तो हम तब तक हमने नहा लिया काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैंने नहीं नहाया आई मीन मिसबा ने नहाया, मैंने तो पाँव वगैरह ही धोए, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। मैं भी यही बोलूँगा आओ आप भी यहाँ पे, ये जगह देखो क्या है, व्यू देखो यहाँ का क्या आ रहा है यार मस्त। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कश्मीर वगैरह से, हर जगह से आते हैं, आप भी आओ यार घूमो यहाँ पे, रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ है यार, मस्त मस्त जगह है, व्यू है। और अभी जाते हैं मिर्जा के पास, पूछते हैं उसको कैसा रहा उसका। भाई मिर्जा आ गया नहा के, मिर्जा कैसा रहा था बन यार? भाई इसने तो हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल बनाया हुआ था यार वहाँ पे। हेलो, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है बोलते, तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई शॉप कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यार यहाँ से घर के लिए वापस। अभी मम्मी वगैरह सब नहा रहे हैं, जब तक हम खा के आएंगे दादा वो भी आ जाएंगे, फिर निकलेंगे। अंकल क्या है, क्या क्या खाने में? वो अंकल शॉप ही बंद करे, चलो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, चिप्स तो वही बैठ के खाते हैं। भाई खाना तो हमें चाय वगैरह पीनी थी तो वो तो मिला नहीं, चलो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह ले ले खा लेते हैं। सर्दी में कोल्ड ड्रिंक, यू कोल्ड ड्रिंक बताना दूसरी भी, और ये हमने एक थम्स अप और एक लिमका ले लिए, तीन चार चिप्स ले लिए, अब यही खाते हैं और करते हैं मम्मी और का वेट, और जब वो आते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे घर के लिए वापस। मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हो पार सामने ये पानी, भाई इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ग्राट, जहाँ पे वो आटा वगैरह पीसते हैं, ये होता है गाँव का प्रोसेस यहाँ का। तो ये देखो ये मैंने आपको बता दिया, तो मस्त लग रहा है यार ये, ज़्यादा व्यू बता रहा हूँ ये देखो यहाँ का भी व्यू कैसा आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ के व्यू पॉइंट कैसे लग रहे हैं आपको, और फिर मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग व्यू आपके लिए लेके आते रहूंगा। ये युगु बोल रहे हैं यहाँ पे बर्फ भी पड़ी है, वाह जाएंगे बर्फ वाली जगह पे पर्नी टॉप। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था, प्यार भैया भी थे, तो ये भी तथा पानी में आए थे, मैं चलो मिल लेते सब्सक्राइबर भी हैं अपने, और कैसे भैया बढ़िया मेरी जान, और सब बढ़िया करते सब भी, चलो प्यार भैया से मिल लिया, अब बताते हैं आपको आगे। आपके लिए ये तथा पानी के सामने एक पहाड़ दिख रहा है, और लोगों ने बोला यहाँ पे अंदर जाके मतलब बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे 200-300 लोग रह सकते हैं, तो हमने सोचा अभी हम आपको जाके बताते हैं। ये आगे आगे मिसबा और युगु चल रहा है, ये साथ सामने तथा पानी, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ पे। सो भाई अभी हम यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये देख लो कैसा है, ये देखो पहाड़, यहाँ पे लोग रहते हैं, किसी का डेरा है यहाँ पे, ये देखो तरपाल वगैरह लगा हुआ है मस्त, ये अंदर बहुत बड़ी है, देखो मिर्जा कैसा लगा देख के भाई? हाँ हाँ, मतलब ये पीछे है वहां पे भी, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, मस्त है यार यहाँ पे तो। भाई ये थी वो जगह, यहाँ पे अंदर जाने के लिए पनीर किस लोगों ने बंद करके रखा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते, देख लो क्या है यार। तुझे पर भूख लगी है युगु, मिसबा ने भी नहाया भाई, सबको बढ़िया लगा, पहले जो कुछ बताना था। भाई सबको भूख लगी हुई, अब चलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी संगल डाल, वहाँ पे माँ से घर में खाएंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे वापस घर, आगे देखते हैं कहाँ जाना है। मस्त मासी ने राजमा चावल बनाए थे, अब निकलते हैं यहाँ से घर, युगु भी आज हमारे घर आ रहा है, तो पहुंच मिलते हैं आपको घर। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम घर, और दिन को बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, अभी करेंगे रेस्ट, खाना वगैरह खाएंगे, व्लॉग एडिट करेंगे, फिर सोएंगे यार। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक मेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।